टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा में एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसके परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान एसडीएम ने परिजनों से ही अभद्रता की, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। मामला टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खिरका का है, जहां पर रहने वाले खुन्नी केवट नाम के एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला बीती रात सामने आया था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का संदेह जाहिर किया और लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान ही एसडीएम सौरभ सोनबोड़े यहां पहुंच गए और उन्होंने मृतक के परिजनों से ही अभद्रता कर डाली, जिसके बाद हालात और बिगड़ने लगे। ये मामला है कि हमारे चाचा को सुबह 11 सोनी ने बुलाया था, किस सोनी ने काम के लिए, और उन लोगों ने हमारे चाचा का मर्डर कर दिया, इसलिए इसे हम लोगों ने ट्रैफिक जाम किया था। कब लवा ले गए थे वो? वो सुबह 8 लवा ले गए थे। तो आपको कैसे पता कि मर्डर हो गया हमारे चाचा का? फिर इसके बाद 1 वो उसके घर से एक लड़का आया उसी का, और वो हमारी चाची को लेवा ले गए, बोला कि चलो तुम्हारा इंदिरा आवास का नाम आ गया है, तुम्हारा मतलब साइन होने और फोटो लो बने, तो चाची को बैठा के अकेले लेवा ले गए। फिर इसके बाद ना फिर उनके एक भैया दूसरे हमारे चाचा खत्म हो गए टीकमगढ़ में, तो उनके भैया फिर हमारे डैडी को लोआवे, भूरा नाम भूरा सोनी भी आया लोआवे, हाँ पापा को सुबह लोआ के ले गए। फिर हम उनको पता चलो सो मम्मी ने बताई, हम पानी खो गए थे, फिर होते सीधे बासन में फेंक के सीधे दिगौड़ा चले गए। अच्छा आप ये बताएं कि आपके चाचा जो एक्सपायर हो गए थे और टीकमगढ़ पहुंच गए, आपको पता नहीं चला? नहीं था? हम लोगों को पता, हमारी चाची को भी पता नहीं था, वो इंदिरा आवास के वो लोहा लगाए थे हमारी चाची को, उन लोगों ने हमारी रिपोर्ट भी नहीं ली थी, इसलिए हम लोगों ने ट्रैफिक जाम लगाया था। जब जाके अभी 1 रात के ना उन लोगों ने FIR काटी और अभी रिपोर्ट ली। आप लोग वहां से बॉडी छोड़ के क्यों भागते हैं? इसलिए भागे थे बॉडी छोड़ के कि लेडीज पुलिस भी आ गई, तो उन लोगों ने मारा भी है और गाली गलौच भी दी, इसलिए से हमारे पूरे गांव रिश्तेदार सब लोग भागे थे बॉडी छोड़ के। किसने गाली गलौच की आपके साथ? SDM ने, जो भी होता जितने पुलिस वाले थे सब पुलिस वाला ने गाली दी। ये नदी क्रक के लोग हैं, कुछ लोग थे, एक अशोक सोनी राजेश सोनी के घर मकान में एक कुन्नी केवट काम करने के लिए सुबह उससे घर से बुला ले गए थे। बाद में उसको उन्होंने बताया कि ये छज्जा टूट के गिर गया है, उससे गिर गया है, लेकिन इनका पूरा संभावना इनकी जो संदेह व्यक्त किया है कि इन्होंने उससे पैसे के लेने पर से उसको मार दिया है, इस पर से इसकी FIR दर्ज कर दी गई है और इसकी विवेचना की जा रही है, बीच में कार्रवाई की जा रही है। सर 4 तक लगभग सुना है जाम लगा रहा, सर क्या? हाँ ये जानकारी हमको भी मिली थी मौके पर, हम लोग भी पहुँचे थे बाद में, तो बाद में फिर जो समझा इसके बाद इन्होंने जाम खोल दिया था, अभी ये लोग जो है चले गए थे, अब इनकी FIR हो गई है, इसमें विवेचना की जा रही है। सर सबके जो परिजन है उन लोगों का बोलना है कि उनके साथ अभद्रता हुई है और सबको बीच रोड पर छोड़कर उनको भागना पड़ा? नहीं नहीं ये सब गलत बात है, उनकी ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी मांग के लिए जो है उसको डेड बॉडी के साथ में बैठे थे, लेकिन पुलिस ने उनको समझाया कि पुलिस क्यों अवस्था करेगी, अवस्था कोई प्रश्न ही उठता है।